अब ए आ गया आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो ए की वैल्यू आप दोबारा यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन. सो दिस विल बी एक्स अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, और यू कैन से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. क्लियर? दोबारा देख लो इसको, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है विद इक्वल इंटरसेप्ट और पासिंग थ्रू 2, 3. इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने लाइन की इक्वेशन लिख ली, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, बट इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ए और बी इक्वल है, तो हमने बी को ए से रिप्लेस किया. यहां से एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए बन जाएगी इक्वेशन. अब ये लाइन आपकी 2, 3 से पास कर रही है, सो दिस विल बी 2/a प्लस 3/a इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपकी 5. सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, a को रिप्लेस करोगे आप इस इक्वेशन में 5 से एंड यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है वो आपका. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2. अब जो इक्वेशन है लाइन की वो 2, 2 से पास कर रही है एंड द सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 9. इट्स कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस विद सम इक्वल टू 9. तो यहाँ पे अगर गिवन है हमें इंटरसेप्ट हैव सम इक्वल टू 9, तो इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 9 है, तो बी हो जाएगा आपका 9 माइनस ए. सो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दोगे बी को 9 माइनस ए से, और ये 2, 2 से पास कर रही है. अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. एलसीएम ले लो, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट एज ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0. 9a और ए स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे. अब आप मिडल टर्म स्प्लिट करोगे 6 and 3, तो a इंटू ए माइनस 6 माइनस 3 कॉमन, तो a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6. जब a 3 है आपका तो b 9 माइनस 3 यानी कि 6 आ जाएगा, एंड जब a 6 है तो b आपका 9 माइनस 6 यानी कि 3 आ जाएगा. अब इक्वेशन में पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर. So the required equation of line is x upon 3 plus y upon 6 is equal to 1, or x upon 6 plus y upon 3 is equal to 1. जब इंटरसेप्ट की फॉर्म में गिवन होगा तो यू आर टू यूज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म. डन. चलें अगले पे. क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो आपकी पास कर रही है पॉइंट 0, 2 से, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है वो 2π/3 बन रहा है. कैसे करेंगे? एंगल गिवन है तो यू कैन फाइंड आउट द स्लोप. क्या आएगी स्लोप? व्हाट इज टैन 2π/3? हाँ जी, हाँ जी,
10 120 हो गया, फिर दिस इज दिस कैन बी रिटन एज 90 + 30 या 180 - 60, किसी भी तरीके से लिख लो। 90 + 30 यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन इज नेगेटिव, 90 इंटू ऑड मल्टीपल है तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉट में, और ये वाला एंगल आपका एज इट इज, तो माइनस कॉट 30 इज माइनस रूट 3। स्लोप आ गई, पॉइंट गिवन है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन बताओ क्या आया। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हाँ जी, हाँ स्लो वन पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, सो दिस इज रूट 3x प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस रूट 3x आ जाएगा, उसको इधर लाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स आपकी एज इट इज, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इसी में वो आगे पूछ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट यानी कि स्लोप्स विल बी इक्वल, तो इसकी स्लोप अगर माइनस रूट 3 है तो जो पैरेलल लाइन होगी उसकी स्लोप भी आप माइनस रूट 3 लोगे, एंड द क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, और ओरिजिन से 2 यूनिट्स बिलो इसको कट कर रही है, एंगल जो भी बन रहा है, वैसे 2π/3 दिया है तो हमें उसके पैरेलल लाइन निकालनी है। 2π/3 मान लो अगर आपकी ऐसे आ रही है तो ऐसे वाली लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है, इसकी स्लोप माइनस रूट 3 लेके चलोगे क्योंकि पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है, एंड दिस इज पासिंग थ्रू 2 यूनिट्स क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, तो ये पॉइंट क्या आएगा, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, बिलो द ओरिजिन है तो -2, तो 0, -2 पे आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है। एनी लाइन पैरेलल टू 1 is having slope minus root 3, parallel lines की slope equal हो गई, and it is passing through 0, -2, so required equation is y - y1, तो y + 2 हो जाएगा -(-), this is equal to m times x - x1, so this is root 3x + y + 2 equal to z. Root 3x plus y plus 2 equal to 0. Then हो गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2, -9। एक लाइन है, उससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन को -2, -9 पॉइंट पे मीट करता है। मान लो ये पॉइंट है आपका -2, -9, एक्स नेगेटिव है, ठीक है, तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में इसको बना लिया, वाई इज पॉजिटिव। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ड्रॉ हुआ यानी कि हमें ये वाला जो परपेंडिकुलर गिवन है इसके ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है। जब एक लाइन पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, हम स्लोप निकाल सकते हैं उसकी, लाइन की आपकी स्लोप आ जाएगी। अब ये जो नॉर्मल है, जो था ये परपेंडिकुलर है लाइन पे, यानी कि लाइन की भी स्लोप आ गई और लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट भी हमें गिवन है, तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले इस परपेंडिकुलर की जो है वो निकाल लो,
perpendicular from the origin meets the line at minus 2, 9. So it means ये दो पॉइंट्स जो हैं आपको परपेंडिकुलर पे गिवन है 0, 0 एंड -2, 9. क्योंकि वो लाइन को -2, 9 पे मीट कर रहे हैं तो ये वाला जो है आपका पॉइंट दिस इज लाइंग ऑन द लाइन आल्सो. परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. So equation of so slope of perpendicular is 0 - 9/0 + 2 - 9/2. तो लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, लाइन उसके परपेंडिकुलर है. नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज 2/9. नाउ -2, 9 लाइज ऑन L, therefore required equation is y - y1 = m × x − x1. So this is 9y - 81 = 2x + 4. So this is 2x - 9y + 85 = 0. 2x - 9y + 85 = 0. समझ आ गया ये हमें. देखो पहले ये स्टेटमेंट समझो, परपेंडिकुलर ओरिजिन से लाइन पे ड्रॉ किया जो लाइन को -2, 9 पे मीट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स परपेंडिकुलर पे लाए कर रहे हैं. अब क्योंकि इस पॉइंट पे ये लाइन को मीट कर रहे हैं, यानी कि लाइन भी इस पॉइंट पे लाए, ये पॉइंट जो है ये भी लाइन पे लाए करेगा. तो ये -2, 9 लाइन का पॉइंट है और ये दोनों परपेंडिकुलर के पॉइंट्स हैं. जब हमें किसी लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन होते हैं वी कैन फाइंड आउट इट्स स्लोप. अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो अगर हमारे पास इसकी स्लोप आ जाए हम लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं. इसकी स्लोप के लिए हमने यूज किया y2 - y1 / x2 - x1. ये स्लोप आ गई परपेंडिकुलर की, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किया तो लाइन की स्लोप आ गई. अब मेरे पास लाइन की स्लोप है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, तो y - y1 = m × x - x1. सिंप्लीफाई करके 9 को उधर ले गए, देन साइड्स इंटरचेंज हो गए. क्वेश्चन नंबर 16. लेंथ L ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर. लेंथ जो है वो सेल्सियस टेम्परेचर की लीनियर इक्वेशन है, तो इक्वेशन हमें खुद फॉर्म करनी पड़ेगी. इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L इज 124.942 when C is 20 and L is 125.134 when C is 110, express L in terms of C. L को C की terms में हमने express कर. तो linear equation हमें पता है that is of the form y = mx + c हम लेके चलते हैं. अब दो variables हमारे यहाँ पे कौन कौन से हैं, L है और C है. तो जब आप इसका expression लिखेंगे, let the required linear equation is L is equal to C A या A C plus B. L और C इसमें variables हैं. अब उसने क्या कहा, जब L आपका 124.942 है तो C आपका 20 है. यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी इसमें पुट करके. सेकेंडली वो क्या कह रहे हैं, जब L 125.134 है तो C आपका 110 है. L और C को इसमें पुट करोगे, एक इक्वेशन आपकी A और B की बन जाएगी. फिर ये L और C की वैल्यूज पुट करोगे तो A और B की सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी. दो इक्वेशन आ गई, उनको सिंप्लीफाई कर लो, A और B की वैल्यू आ जाएगी.
ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, तो दिस यू आर टू डू योर सेल्फ। मार्क कर लो इसको होमवर्क पार्ट, जो आपको मेन ये चीज चाहिए, उसने क्या कहा कि लेंथ ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये लेंथ इज इक्वल टू सेल्सियस टेम्परेचर में लीनियर फंक्शन हमने लिख लिया। अच्छा आप देखो नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, ऑनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 पर लीटर। 980 लीटर मिल्क वो सेल कर रहा है एट रुपीज 14 पर लीटर। उसके बाद एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ही इज सेलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 16 पर लीटर। Assuming a linear relationship between selling price and demand, demand और selling price के बीच में अब आपको एक जो है linear relationship बनाना है। How many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? पहले same way में इनको use करके जो है आप एक linear equation बना लोगे। उसके बाद पिछला question आपका linear equation form करने तक था, इस वाले question में आपने क्या करना है, जो linear equation आएगी उसमें आपको जो है नंबर ऑफ लीटर्स बताने हैं कि कितने वो सेल कर पाएगा जब उसका जो सेलिंग प्राइस है 1 लीटर का दैट इज रुपीज 17। तो हम मान लेते हैं लेट जो उसकी डिमांड है दैट इज डी, तो दैट इज इक्वल टू ए इनटू सेलिंग प्राइस प्लस बी। लीनियर इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली। अब इस लीनियर इक्वेशन में हमने क्या करना है, ये जो है आपका डी और एस जो है इसको पुट कर लो, वहां से आपकी वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी की। ए और बी की वैल्यूज इसमें पुट करोगे इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद अगर सेलिंग प्राइस आपका रुपीज 17 पर लीटर है तो डी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लोगे ये, ठीक है। अब 18th क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This is 18. P is the midpoint of a line segment between axes. इसमें main आपका figure बनाने पे है। ये axis को line cut कर रही है। इसका midpoint जो है वो हमें P given है, A comma B. It means मुझे ये वाला point भी नहीं पता, मुझे ये वाला point भी नहीं पता। तो इनको हमने find out करना है। Y axis पे है, तो this will be of the form 0 comma y. एक्सिस पे है तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा जीरो। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। हमें बताना है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है दैट इज ऑफ दिस फॉर्म, यानी कि इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। गिवन है हमें मिड पॉइंट, तो हम ये वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे आएंगी, x प्लस जीरो बाई टू इज इक्वल टू ए, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2a। सिमिलर वे में जीरो प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल टू बी, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2b, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, ये पॉइंट मेरा बना 2a कॉमा जीरो, ये पॉइंट बना मेरा 0 कॉमा 2b। अब ये मुझे देखो ये जो है दिस इज 2a गिवन, दिस इज 2b गिवन, x इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं व्हेन द इंटरसेप्ट्स आर गिवन टू अस। तो इंटरसेप्ट्स हो गए 2a एंड 2b, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2a x इंटरसेप्ट, रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म लिख ली, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। अब ये 2 आप उधर ले जाओ, तो दिस विल गिव यू एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 19, पॉइंट आर डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. एक पॉइंट आर है जो एक लाइन सेगमेंट अगेन बिटवीन द एक्सिस गिवन है. अब ये मिड पॉइंट नहीं गिवन हमें, वन रेशियो टू में इधर से लेंगे ये रेशियो, वन रेशियो टू में, क्योंकि लाइन हम इधर से लेके चल रहे हैं, तो दिस इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो वन रेशियो टू. आपका एंगल इस साइड से बनता है, तो जब आप लाइन को वापस जीरो पे लेके आओगे तो दिस विल बी वन रेशियो टू. गॉट इट? वन इधर क्यों लिया? अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब इस केस में आपने क्या करना है, यू आर टू फाइंड द कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लोगे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके. ऐसे ले लेना है इसको, ये एक्स कॉमा जीरो हो गया और ये पॉइंट आपका जीरो, यहाँ वन है, ये टू. लाइन आपकी ऐसे रोटेट हो रही है ना, जब हम इसको वापस करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये पॉइंट आपका वाई कॉमा जीरो, ये रेशियो आपका वन रेशियो टू. ये लाइन ऐसे है, ठीक है. अब इसको जब मैं ऐसे रोटेट कर दूंगी तो ये वाला पॉइंट आपका इधर आ गया, ठीक है. ये एक्स जीरो, ये वाई जीरो, ये वन रेशियो टू देगा. अगर यहाँ वन टू कर दोगे तो यहाँ वो होगा, ठीक है. किसने बच्चे एक्स एक्स, उसने क्या कहा है, लाइन जो है आर डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस यानी कि ये, ठीक है. अच्छा आप ये कर लोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, फिर उसी तरीके से एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वन पुट कर दोगे. क्वेश्चन नंबर 20, शो द यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? तीनों पॉइंट्स को ए बी सी मान लो, ए बी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी शो कर दो, तो यू विल गेट की जो पॉइंट्स हैं आपके दैट आर कोलिनियर. हो जाएगी एक्सरसाइज कंप्लीट. सो इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट तो वी विल डिस्कस दैट टुमारो. सो बच्चे एज द टाइम इज ओवर आई एम एंडिंग द मीटिंग. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क द डाउट्स.